एक करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर लोग रोजगार पाए हैं, कोई बढ़ई का रोजगार पाया है, कोई कुंती में ठेला लगा के रोजगार कर रहा है, कोई 10,000 लोन लेके सब्जी बेच रहा है। सिंह नौभार टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इस समय हमसे बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री शंकर गिरी जी। भाजपा 2022 की चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कार्यक्रम के तहत बदलापुर में आज बूथ विजय अभियान कार्यक्रम की शुरुआत, आप इसमें मुख्य अतिथि थे। मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपका हमारे साथ स्वागत है। किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है? हमारे पास इतना मुद्दा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। विपक्ष के पास केवल एक मुद्दा है हमारी आलोचना, वैक्सीन फ्री हमने लगवाया। जब ये कहे कि सर प्राइवेट में लगवाइए तो कहते थे पैसा नहीं रहे हैं, अब हम फ्री में लगवाते हैं तो कहते हैं सर प्राइवेट लगवाइए। हम गरीबों को अनाज बांटते हैं तो ये कहते हैं कि उनको हरामखोरी की आदत लगा रहे हैं। हम किसानों को 6,000 रुपया सालाना दे रहे हैं तो कहते हैं ये क्यों दे रहे हैं। मतलब अगर हम अच्छा काम करें इनको केवल बुरा लगता है, और इनके पास आज के डेट में कोई नेता नहीं। अखिलेश जी को हराने के लिए शिवपाल जी लगे हुए हैं, मायावती जी को लगाने के लिए भीम आदमी लगी हुई है, और कांग्रेस का तो यहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं। ये अपनी चिंता करें, हमारी चिंता करने की इनकी जरूरत नहीं। मैं प्रदेश सरकार के 5 काम जानना चाहता हूँ, जो प्रदेश सरकार के 5 कार्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में जाएगी, अपना काम लगाएगी। वो 5 पहला काम तो उत्तर प्रदेश को अभी तक समाजवादी पार्टी की सरकार ने जंगल राज बनाया। आज सारे माफिया या तो उत्तर प्रदेश के बाहर आए या तो जेल के अंदर है। 250 से ज्यादा माफियाओं के मकान गिरा दिए। नंबर 1, उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन वाला प्रदेश बन गया, 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगा दी गई। नंबर 2, महिलाओं की सबसे ज्यादा सुरक्षा के नाम पर नारी शक्ति केंद्र बनाया भाजपा ने। नंबर 3, इसके बाद कोरोना काल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कोरोना से मरा, सरकार ने उसकी आर्थिक मदद 2,00,000 रुपया न किया। नंबर 5, जो आज मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने सिर हमारे धार्मिक पर्यटन स्थल थे सबका सुंदरीकरण हो रहा है। चाहे बनारस को ले लीजिए काशी विश्वनाथ मंदिर, चाहे नैनी सारण का मंदिर ले लीजिए, चाहे विंध्याचल का मंदिर ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा पर्यटन स्थल हजारों करोड़ रुपया लगा के आस्थाओं के प्रतीक के रूप में ठीक किए जाए। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। देखिये, महंगाई को जब आप 1947 से गिनना शुरू करेंगे कहीं कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा बनाया जाता है। सीजन आता है सब्जी सस्ती हो जाती है, सीजन खत्म हो जाता है सब्जी महंगी होती है। तो ये अप डाउन वाला है, कभी 200 रुपया, कभी 125 रुपया। ये मतलब अस्थाई महंगाई नहीं। पेट्रोल 100 रुपया लीटर हुआ था इसके पहले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल का जो स्थिति है, आप अफगानिस्तान की स्थिति देख लीजिए, हार का पूछा है, ईरान की स्थिति देख लीजिए, सऊदीया की ले लीजिए, इन चीजों को लेकर पेट्रोल की महंगाई आती है। और अब तो ये सरकार ने कंपनी को दे दिया है, जब पेट्रोल सस्ता होता है तब कोई हल्ला नहीं मचाता है, जब पेट्रोल महंगा होता है तब हल्ला मचाता है। अब ये कहते हैं कि साहब टैक्स घटाइए, इनसे एक चीज पूछिए कि इनकी सरकार ने क्यों नहीं टैक्स घटा। आज हमारी सरकार ने, आप टैक्स घटाने की बात करते हैं, यही टैक्स से आज देश चल रहा है। अगर टैक्स लगना ही बंद हो जाएगा तो ये विकास पूरा था। हमने उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़क दिया, हाईवे दिया, अगर ये पैसा नहीं आएगा तो कहां से होगा? विपक्ष का काम है हल्ला मचाना, हमारा काम है विकास करना। बेरोजगारी आप जनता के बीच में बेरोजगारी के बारे में क्या बताएंगे? 10,00,000 लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने नौकरी दी, और 1 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर लोग रोजगार पाए हैं, कोई बढ़ई का रोजगार पाया है, कोई कुंती में ठेला लगा के रोजगार कर रहा है, कोई 10,000 लोन लेके सब्जी बेच रहा है। इस तरीके से 1 करोड़ से ज्यादा, मतलब 2 साल की कोरोना काल में बंद था, अब प्रवासी भारतीयों के नाम पर जितने लोग दूर दराज से आए थे हमने सबकी सूची बनाई और सब रोजगार देने का काम किया। अच्छा, मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, उसमें जौनपुर जिले से भी नाम की चर्चा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो सरकार का काम है, वो सरकार के जवाब देंगे, हम संगठन का काम है, संगठन के बारे में हम बताएंगे। संगठन से ही तो एक व्यक्ति का नाम चुना गया है और उस पर आ गया संगठन, जब तय कर देगा तो विस्तार हो जाएगा, संगठन नहीं तय करेगा तो विस्तार